तो कैसे हो भाई लोगों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है। ये है एक कंपैरिजन जो कि हमारी इस एलईडी से होने वाला है, नॉर्मल हैलोजन बल्ब का जो कि इस बाइक में आता है 35 वाट का, और H4 इसका सॉकेट है। और इस एलईडी बल्ब का नाम है N95, नोव साइट की तरफ से आता है। इसका एक फिलामेंट जो जलता है वो है 25 वाट की कैपेसिटी, और कंपनी क्लेम करती है कि ये 5000 लुमिन जनरेट करता है, जो कि कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता इतनी इजीली, क्योंकि कंपनी तो बहुत कुछ क्लेम करती है बट रियलिटी हमेशा ही अलग होती है। तो बाकी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्राइटनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इसका रिफ्लेक्टर डिज़ाइन, क्योंकि ये हाउसिंग जो है हैलोजन के लिए बनी होती है। तो अब कंपैरिजन में आपको दिखाता हूँ, मेरी कैमरा सेटिंग जो है सेम रहेगी और आप देख सकते हो। पहले मैं दिखाता हूँ हैलोजन का आई बीम और लो बीम। तो आप देख पा रहे हो कैसी आपकी लग रही है हाई बीम और लो बीम। और अब आ जाते हैं एलईडी पे। सेम जगह पे मैंने रिकॉर्ड किया है और कैमरा सेटिंग भी मेरी सेम है। तो देख सकते हो ब्राइटनेस का काफ़ी डिफरेंस है इसमें, और लगभग मुझे जो लगता है पर्सनली वो दोगुना लगती है इसकी ब्राइटनेस, 2 से 2.5x इसकी ब्राइटनेस है कंपैरिजन टू दी स्टॉक बल्ब। तो देख सकते हो कैसी लग रही है लाइट। और बाकी सामने से देखते हैं इस बार ग्लेयर कैसा आता है इसमें। कैमरा पे उतना पता नहीं चलता बट फिर भी एक जनरल आइडिया आ जाएगा आपको। सामने से भी देख लेते हैं पहले हैलोजन को। देख पा रहे हो हैलोजन में उतना ज़्यादा ग्लेयर नहीं है। और अब करते हैं एलईडी को टेस्ट। तो इसमें कैमरे में उतना ग्लेयर दिख नहीं रहा है बट हल्का फुल्का ग्लेयर रहता है, कोई भी एलईडी हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्लेयर हमेशा मिलेगा आपको, क्योंकि वो डिज़ाइन ही उसका एलईडी का ऐसा रहता है, प्लस जो हमारा रिफ्लेक्टर है वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्लियर है बट उतना नहीं है जो कि सस्ती एलईडीज़ में मिलता है। और प्राइस इसका लगभग मुझे पड़ा था 1200 का, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कई लोगों ने 900 रुपए की भी ली है एलईडी जो है, बट ये वो ऑफ़र चल रहा था कुछ टाइम पहले, तो अभी ये 1200 की मिल रही है अमेज़ोन पे, ले सकते हो। बट पर्सनली मेरे को लगता है कि ये ठीक रहेगा अपग्रेड। ना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ओवर पावरफुल नहीं है कि कोई भी आपको रोक ले इजीली, मतलब अथॉरिटीज़ वगैरह पुलिस वगैरह चालान काट दें। और इतना ज़्यादा वीक भी नहीं है कि आपको दिक्कत आए गाड़ी में, मतलब विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो। बट इसमें एक वीकनेस है जो है कि इसका हाई बीम में थ्रो अच्छा नहीं है, थोड़ा वी शेप इसमें क्रिएट होता है, जो कि कुछ तो मेरा रिफ्लेक्टर की वजह से हो सकता है, और कुछ रीज़न है कि इसका डिज़ाइन ही वैसा है कि परफेक्टली मिमिक कर पाना इतना ईजी नहीं रहता है हैलोजन को एलईडी के द्वारा। तो उसमें थोड़ा सा वी शेप आता है, बाकी लो बीम बिल्कुल सिमिलर है स्टॉक से, थोड़ा कट ऑफ इसका शार्प रहता है एलईडी का। ये एक डाउन साइड है वो कि हर बाइक में आ रहा है आजकल, जितनी भी एलईडी वाली बाइक्स आती हैं बाई फैक्ट्री उनमें भी ये इशू है, जो कि इतना ईजी नहीं है मतलब रेप्लीकेट कर पाना हैलोजन को। तो लो बीम बहुत सिमिलर है। और एक चीज़ इसमें मैं कंपेयर करना रह गया है, जो कि डोमिनार्स इसका ब्राइटनेस, वो भी किया जाएगा फ्यूचर वीडियोस में, तो आप देखते रहिए हमारी वीडियोस, उसमें एक कंपैरिजन ज़रूर डाला जाएगा। फ़िलहाल मैं ये एलईडी रिटर्न नहीं करूँगा और इसको रखने वाला हूँ। कुछ भी आपकी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। मिलते हैं, कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।